एनटीवी निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। लोकसभा चुनाव की बिसात पर सियासी दावपेच का दौर जारी है। पक्ष और विपक्ष में नई नई चाले चलने की होड़ और दूसरे पक्ष की चालों की कार्ड ढूंढने का सिलसिला भी जोरों पर है। धर्म मजहब से लेकर जाति तक के कार्ड खेले जा रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया कार्ड खेलकर विपक्षी इंडिया गठबंधन के खेमे में हड़कंप मचा दिया है। महिला वोटरों को साधने के लिए प्रधानमंत्री ने 25,000 महिलाओं के साथ संवाद किया। इसका व्यापक असर देखने को भी मिल रहा है। खास तौर पर भाजपा से दूरी रखने वाले एक समुदाय विशेष की महिलाओं को भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाने लगे। आज मतुन जी, मोदी सरकार की कौन सी योजनाएं आपको मिली? हमको राशन फ्री मिला है और सफाई सफाई सही से है, और जो घर से बाहर निकलते हैं कोई मतलब वो नहीं है, रात बिरात चाहे जब चले जाएं कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। और जो अखिलेश यादव की और पूर्व की सरकारें रही हैं उसमें और इसमें क्या अच्छाई है? इसमें ये अच्छाई है कि जो है महिला की यहाँ इज्जत मिलती है, उसमें इज्जत नहीं मिलती थी। अच्छा, अगले शादों से कोई योजना मिली थी आपको? नहीं। और इस मोदी सरकार में जो चिकित्सा के लिए फ्री पैसा मिल रहा है, आवास मिल रहा है, उसमें कुछ मिला आपको? हाँ, मोदी मियाँ हमको मिला है फ्री पैसे। ठीक। दरअसल देश में अब तक की राजनीति में किसी भी राजनीतिक दल या नेता ने इस महिला वोट बैंक की ताकत को आंका नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि परंपरागत राजनीति से हटकर राजनीति करते हैं, लगातार नए वोट बैंकों का गढ़ रहे हैं। बीते लोकसभा चुनाव में उन्होंने लाभार्थी वोट बैंक को खड़ा किया तो एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आया। मौजूदा लोकसभा चुनाव में जबकि लगभग पूरा विपक्ष एक साथ उनके खिलाफ खड़ा हो गया तो उन्होंने अपने तर्कस से महिला वोट बैंक को साधने का तीर चला दिया है। यह तीर ऐसा निशाने पर लगा कि धर्म मजहब और जाति के दायरे भी टूटते नजर आ रहे हैं। फिलहाल विपक्ष के पास मोदी के इस वार की कोई काट नजर नहीं आ रही है। हमारा नाम है राबिया। अभी लखनऊ में चुनाव हो चुका है, क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? मोदी की सरकार किस लिए बनेगी? सफाई हुआ था, काम अच्छा हुआ था। मोदी के और क्या क्या अच्छाइयां हैं जिसको लेकर आप के द्वारा सर राशन मिलता है आपको? और जो अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी, उनकी क्यों नहीं बनेगी? अब भैया मोदी सरकार आएगी, आपके हिसाब से मोदी ने क्या काम ऐसे किए हैं जिससे जनता उनको चुनेगी? काम अच्छा करता है, सुरक्षा भी इंसान देता है। आपको उनके द्वारा किस योजना का लाभ मिला? साफ सफाई, रात बिरात निकलती हैं तो आपको पुलिस प्रशासन अब मोदी सरकार में अच्छा रहता दिख रहा है कि पहले की सरकारों में? अच्छा। तो इस सरकार में सुनवाई होती है गरीबों की? आप मुसलमान हैं, आप मोदी की तारीफ कर रही हैं, तो क्या लोग कहते हैं कि मोदी भेदभाव करते हैं, आपके हिसाब से क्या है? मोदी भेदभाव नहीं करते हैं। मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास, कितना सहमत है आप इस नारे से? सही है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनाव बीतने के साथ ही अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सरकार गठन के साथ ही उन्होंने इस महिला वोट बैंक पर काम करना शुरू कर दिया था, जैसा कि तीन तलाक समाप्त करना और उज्ज्वला योजना, गरीबों को घर की योजना, आयुष्मान योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना और महिला सुरक्षा जैसी तमाम योजनाओं को बिना किसी भेदभाव के जनता तक पहुंचाया, जिसका असर व्यापक तौर पर दिख रहा है कि अब आधी आबादी भी मोदी के पक्ष में बिना किसी भेदभाव की खड़ी नजर आ रही है और जात पात धर्म मजहब से आगे बढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के साथ आगे बढ़ना चाहती है। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल एनटीवी निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।